किया है, उनके द्वारा बताया गया कि जो अभियुक्त थे माननीय न्यायालय में आप समर्पण कर गए, अजीत किए हैं करीब एक घंटा पहले, उसका सत्यापन हम लोग करा रहे हैं और उस संबंध में जो है कि साक्ष्य कथित कर जल्दी से जल्दी जो है उनके आरोप को समर्पित करेंगे और स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत जो है इस केस को। गुड़ लगातार न्यूज समाचार बटुए सिमरी से रिपोर्टर बानी सुंदरलाल जी। खबर के हेडलाइन सुनी, बक्सर में अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी कैलस कोर्ट में सरेंडर। एगो लड़का के साथ भइल रहे अप्राकृतिक यौनाचार, कोर्ट में कैले बने सरेंडर पुलिसिया दबाव के बीच। बक्सर जिला में 13 साल के लड़का के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामला में फरार अभियुक्त कोर्ट में सरेंडर कर दिले बा, जेकर जानकारी बक्सर SP नीरज कुमार सिंह देनी। साथे साथ वहाँ के पीड़ित परिवार के सुरक्षा देवे के भी आश्वासन देनी। वही वहाँ के कहनी कि परियन के जो भी धमकी देवे वाला बा उनका लोग पे पहचान कइल जाता, कार्रवाई करे के दिशा निर्देश थानेदार के दे दिहल गइल बा। बता दही कि मंगर के पीड़ित लड़का परिवार के बयान के साथ भोजपुरिया समाचार ई खबर प्रमुखता से चलैले रहे, जेकरा बाद पुलिस के बढ़ल दबिश के कारण बुध के दोपहरिया के सेमरी थाना क्षेत्र के रामोपट्टी निवासी उमा साहू पुलिस की गिरफ्त से बचत, कोर्ट में वकील के मदद से सरेंडर कर दिलस, जेकरा बाद पीड़ित परिवार भी राहत के सांस ले ले बटुए। बता दी कि सावन के अंतिम सोमारी के सेमरी थाना इलाका से एगो 13 वर्षीय बालक के साथ 55 वर्ष के अधेड़ अमीन के द्वारा अप्राकृतिक यौनाचार करे का मामला सामने आयल रहे। एकरा कुछ दिन के बाद एकर वीडियो फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जेकरा बाद पीड़ित परिवार के द्वारा स्थानीय थाना में नामजद FIR दर्ज करावल गई रहे और दोषी पे कार्रवाई के मांग कर गई रहे। हालांकि घटना के कई सप्ताह बीतला के बाद भी अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में ना आवत रहे, इन्हें गिरफ्तारी ना भइला पे कुछ दबंग लोग के द्वारा केस उठावे के दबाव से भी भयभीत कर जात रहे, जेकर भोजपुरिया समाचार है पीड़ित माई के बाबू के बयान भी सुनैले रहे। एक बार फिर से रिपीट करी रोरा सभे सुन ली बयान माता का कहतरी है लड़का के, यह लड़का के स्थिति खराब बा, तबीयत खराब चलता, दूसरा से कर्जा गुलाम लेके आई बेचारी अपन लड़का के जौन बटुए इलाज करा रहा बड़ी। हालांकि कहतरी कि हम केस लड़ब छोड़ब ना, बता दही कि अमीन के वीडियो तेजी से वायरल होल, जेकरा बाद इनका पर नामजद FIR दर्ज करावल गई रहे। लगभग महीना दिन बीते के रहे तब जाके आरोपी सरेंडर कैलस, जब मीडिया एकरा के प्रमुखता से खबर चले, भोजपुरिया समाचार भी चले ले रहे, तो बड़ा खबर यह निकल के आ रहा बटुए कि जौन आरोपी बटुए अमीन प्राइवेट अमीन रहल हटुए, उस सरेंडर कर चुकल बटुए। भोजपुरिया समाचार SP साहब के बयान भी सुनाई और साथे साथे रोरा दर्शक लोग के लड़का के माई के भी बयान सुनाई। हालांकि वीडियो थोड़ा ब्लर कर दिहल गई बटुए, लेकिन ई एक तरह से कहीं ना कहीं समाज खातिर ई तमाचा बटुए। सुनी बयान सुनी और शेयर करी, धन्यवाद। परेशानी यही बा कि हम थाना पे गई रहनी हाँ, अपन लड़का के एथी लिखवनी हाँ FIR, जो दो चार आदमी रहल हाँ हमारा के दबाव बनावत रहल हाँ कि तू एथी केस नत कर, केस करबू तो हम तोहरे पे उल्टे कार्रवाई करवा दे। तब हम कहनी हाँ केस हम कैले बनी, कौनो अभी सुनवाई नहीं थे, थाना पुलिस सुनत नहीं खे लो, हम गरीब आदमी का करी, हम लड़का के लेके परेशानी में बनी, रुपया पैसा के हमारा फिर है नहीं के कुछ हो, हम कहाँ से दवाई करी, हम गरीब आदमी गांव घर के बाबू भैया बालो तो हमरे पे दबाव बनौले बोलो बेटा भतार बाड़ सा तो आदमी कहते कि जान मरवा दे बोलबू तो का करी, हम कैसे हम रहे गाँव छोड़ के हम चल जाए, गरीब आदमी गाँव में ना रहला। पुलिस पुलिस तो अथी कैली भैया, पुलिस सुनवाइए नहीं खे, पुलिस बोलत कि केस काहे के करत, हम कैसे रही कैसे का करी, हमरा बुझाते नहीं खे, ये खातिर कुछ हो जी हम पाछा हटे वाला नहीं खे, हम पाछा ना हटब। क्या लगता रहुआ कि इंसाफ मिली? हाँ इंसाफ मिली, उम्मीद बा। हाँ रौरा इंसाफ दिवाई हमरा के भैया, रौरा दिवाई हमरा के। अच्छा केकर केकर नाम दिले रहनी है केस में रहुआ? नाम हम दिले रहनी है उनकर लालू कम करके लड़का के आ ये थी मैं तुझे ना हटुए आकर बाद दिले बन उन करके वो मासा होके कोनो सुनवाई नहीं थी। का भाई केस में का पुलिस ले बात के नहीं तो का कहता पुलिस कोनो सुनते नहीं खेलो कुछ नहीं खेलो करत, चार दिन पाँच दिन तो हम थाना पे दौड़नी है कि का भैल हमारे केस के, तो कोनो हले भल ना भल, तब कहने के हमारे लड़का के चल के गवाही कराव, तब अपन जाके अथी भल हटुए
बयान लो तो बयान ले लो कोर्ट में लिया हटो बयान कौनो अभी सुनवाई नहीं के। बच्चा के स्थिति हमारा डाउन बटुए सब गांव कहता कि लड़का निमन बा तनी सब गांव देखो बाबू भैया बालो तो ओकरे पछ लेता लो जे गलत काम कैले बा ओकरे पछ लेता लो हमार पछ के हूँ नहीं के हम कैसे रहो हम बताई गरीब आदमी गाँव में ना ना गाँव छोड़ के चल जी हम सब हमारे पर दबाव बनावा तो टू इलाज मांग मांग के कोई कोई ले करो तनी कितना हम इलाज करम के करा ले मांगो गरीब आदमी अब दवाई वो राइल वाला क्या कर ले आवे के पैसा नहीं के हमारा फिरी एसपी साहब ले ये कॉल चाहत नहीं कि हाथ जोड़ी बैठू है ओकरा के कार्रवाई करी जाओ ओकरा के धर पकड़ लगाई जा हम गरीब आदमी मरम ये बैठू है का नाम पड़ी रहो रीना के ही रहूगा उनकर मम्मी हनी लड़का के गरीब आदमी बताई हम कौन लड़के पर आधार मामनी के कि गरीब आदमी लड़का ठीक रही है सब बाल बच्चे तक कमाइए से तक खाई हमारा धन नहीं के उनको धन कोड़ कोड़ी हम खाई कब की घटना हटे घटना घटी बड़ी एक महीना हो गल कौन सुनवाई नहीं के दबाव भी बनल बा का चीज के दबाव दबाव बनल बा गांव घर के बाबू भैया बालो दबाव बनौले बालो हमरा पे काहे कहते माने का दबाव में का कर तू केस नत कर काहे के केस कइलु हो तू केस उठा ल हम कैसे उठा ली हमें खाती पाछा ना हटब हमर लइका के जान जा चुकल बट हम जेता भर में नहीं खे हम केस के उठाइब ना पुलिस के भी सहयोग रहुआ नहीं के मिलत ना नहीं के मिलत मामला है तो उसमें क्या अपडेट है अब तक का सर उसमें जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया तुरंत जो थाना अध्यक्ष महोदय को बताया गया कि तुरंत जो है कि पुलिस परिवार के पास जाएं और उसके बयान कलम भर कर प्राथमिकी दर्ज करें तुरंत हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया उस पर लगातार हम लोग जुलिस बनाए छापामारी की लेकिन उनको अभी तक हम गिरफ्तार नहीं कर पाए अभी तुरंत जो है कि इस संबंध में जब अपडेट थाना प्रभारी से हम लोगों ने दिया उनके द्वारा बताया गया कि जो अभियुक्त थे माननीय न्यायालय में आप समर्पण कर गए आदि किए हैं करीब एक घंटा पहले उसका सत्यापन हम लोग करा रहे हैं और उस संबंध में जो है कि साठ से पच्चीस तक जल्दी से जल्दी जो है उनके आरोप को समर्थित करेंगे और स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत जो है कि इस की जो हम लोग करा रहे हैं सर उसमें एक बात आ रही है कि पीड़ित जो परिवार उसने कहा है कि आसपास के लोगों के द्वारा धमकाया जा रहा है खास करके वहाँ का मुखिया और कई ऐसे लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं देखिए इस बिंदु पर लगातार हम लोग जो है कि जैसे ही हम लोग के संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात हम लोग की जानकारी हुई तो वहाँ पर हमारी टीम वहाँ पर पहुँची तो वो लोग उपस्थित नहीं थे किसी कारण से वो प्राथमिकी भी दर्ज नहीं करना चाह रहे लेकिन हम लोगों ने उनका काउंसलिंग किया उसके पश्चात जो है कि उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया आपके द्वारा ये बात हम लोगों के संज्ञान में लाया जा रहा है कि उनके अगल बगल के लोगों के द्वारा विशेष करते हुए कि जनप्रतिनिधि के द्वारा उनको धमकाया जाए तो इसमें जो है कि हम लोग उनकी सुरक्षा को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर हम लोग संज्ञान में है और उस पर हम लोग जो है कि ध्यान दे रहे हैं यदि उनको इस तरह की बातें होंगी तो आप पुनः हमारे थानाध्यक्ष उनके पास जा रहे हैं अगर थानाध्यक्ष महोदय को भी हम ब्रीफिंग करेंगे कि इस बिंदु पर भी जरा जाँच कर लें कि अगल बगल के लोग या जनप्रतिनिधि उनको इस बाबत दबाव में तो नहीं रख रहे उस पर तेजाब